बेसन, हल्दी एंड बहुत ज़रा सी धनिया पाउडर का एक पेस्ट बना रहे हैं और भिंडी इस तरह से स्लिट कर दिए हैं, इसमें फिल इन करेंगे और एक भिंडी की फ्राई फ्राई बनाएंगे। आई मीन इससे अच्छा लगता है, थोड़ी बेसन डालने से ना क्रिस्प हो जाता है, और हमेशा आप लोगों को भुजिया वगैरह दिखाते हैं तो आज ये बनाए। तो सरसों तेल में हाई फ्लेम इसे सॉटे करना, सो दैट थोड़ी सी हल्की हार्ड हो जाए, एंड देन इसे कवर करके 5 मिनट इसे कवर करना है सिम में। भिंडी तो बहुत जल्दी हो जाता है, नाउ दिस इज़ डन। और हल्का फ्लेम हाई फ्लेम में फिर थोड़ी सी चलाए हैं सो दैट थोड़ी रेड हो जाए। नाउ पुलिंग इट टू द साइड ऑफ कढ़ाई सो दैट एक्स्ट्रा ऑयल इज ड्रेन आउट। ये मेरी भिंडी बन गई है, एंड नाउ प्रेशर कुकर में मेथी एंड तेज़पत्ता डाल करके कच्चा पपीता की सब्ज़ी बना रहे हैं, एंड इसमें हल्दी एंड नमक, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं डाला, नमक भी साइड में गिर गया। एंड सबको हाई फ्लेम में सॉटे करना सो दैट पपीता की कच्चा वाला रॉट है ना वो हट जाए। और इसमें चला रहे हैं देखिए, और इसमें जब तक चला रहे हैं जब तक यू फील कि इसमें ऑयल नहीं निकल रही, तो फ्राई करना पड़ता है कच्चापन के लिए। यहाँ पनीर भी चढ़ा दिए हैं, लौंग इलायची को कूट करके डाले हैं, आनियन को बहुत पतला काटे हैं, और यहाँ पे आप लोग को ऑयल दिखाने के, देखिए ऑयल निकल गया, दैट मीन्स दिस इज़ रेडी। यहाँ कढ़ाई में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिए, सॉटे कर रहे हैं, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पपीता में पानी डाल करके हाई फ्लेम में 2-3 सीटी आएगा, फिर 1-2 मिनट इसे सिम कर देंगे। तो पपीता हो गया, और इसमें पनीर की सब्ज़ी में रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर एंड किचन किंग मसाला डाले हैं, एंड ये हो गए। थोड़ा पानी था तो ड्राई कर रहे थे पपीता की, एंड पनीर की सब्ज़ी के टोमेटो प्यूरी वगैरह डाले थे। एंड दिस इज़ माय दिवाली की रेसिपी, जो कि बिल्कुल दिवाली फेस्टिवल नहीं लग रहा है, लग रहा है एनी डे का ही है, बिकॉज आज के दिन ऑफिस इज़ ओपन, माई हस्बैंड्स ऑफिस इज़ ओपन। आज यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे वहाँ सब आज सेलिब्रेट हो रहा है, तो बहुत लोग आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मटर पराठा बनाया, और ये बर्तन आप लोगों के साथ हम शेयर किए थे, खरीदे थे। तो दिवाली की शुभ दिन है, तो आई थॉट कि चलो आज इनॉग्रेट करते हैं, तो इसमें खीर बनाते हैं। तो खीर में चावल थोड़ी सी सोख कर लिए, ब्रेक कर लिए, एंड थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालिए। वैसे मुझे ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं पसंद है, इतनी सारे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कभी आप लोग ड्राई फ्रूट डालते हुए नहीं देखे होंगे, बट देन ये फेस्टिवल होता है तो कि थोड़ी सी डाल देते हैं, बिकॉज अगर किसी डिज़र्ट में ड्राई फ्रूट हो जाना तो आई कैनॉट ईट, मेरे से नहीं खाया जाता। वेल बहुत लोगों को पसंद है, अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल डालिए। इसमें थोड़ी केसर भी डाले थे, नॉट दिस इज़ डन। रख करके ना अभी से ठंडी करेंगे, एंड देन सर्विंग बोल में निकालेंगे ठंडी होने के बाद, दिस इज़ इट। तो चलिए अब शाम हो गया है, और थोड़ी सी दिया वगैरह जलाते हैं, तो थोड़ी सी डेकोर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये सब जितने भी डेकोर्स हैं ना, मेरी हाउस हेल्प ने किया था, एंड कैंडल जो एक दिन पहले भी किए थे, और ये रंगोली सो ब्यूटीफुल, या ये इसमें दिया जला दिए। एंड चलिए अंदर भी दिखाते हैं कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है ना। अभी पता है कैमरे में उतना दिखता है, मैं रियल में बहुत अच्छा लगता है। एंड अगेन अंदर आइए, और यहाँ पे भी एक रंगोली है, और सो ब्यूटीफुल। अभी दिया वगैरह जलाई नहीं है, अभी सब में जलाएंगे, करेंगे अपने घर के अंदर, दरवाजा वगैरह में इस तरह के डेकोर किए हैं। और ये है दिवाली की डेकोर, हम आप लोग के साथ शेयर किए, आप लोग के साथ शेयर करने में जो बहुत अच्छा लगता है। तो यार इट लुक्स ब्यूटीफुल, एंड नाउ क्या बताएं, आज दिवाली के दिन है, एंड आई एम नॉट वेल। देखिए मेरी मेहंदी कैसी है बताइए, और देखिए इतने सारे कपड़े मैं रखी हूँ पहनने के लिए, साड़ी वगैरह सलवार सूट वगैरह निकाले थे वो आप लोगों को दिखाए, वो तो ओह माय गॉड बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतना चक्कर आ रहा है ना मुझे, वॉमिटिंग, इतना चक्कर आ रहा है, ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम एवर हुआ है कि दिवाली के दिन आई एम सो सिक। ओह एंड लुक एट द टाइम, आप लोगों को टाइम दिख रहा होगा, टाइम फॉर मी टू गेट रेडी, देयर इज नो वे आई कैन वेयर साड़ी, हम साड़ी पहन नहीं पाएंगे, सलवार सूट निकाले हैं वही पहनेंगे, अभी पूजा करते हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, अभी तक आए नहीं है, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। इतनी खूबसूरत मेहंदी दिखे, यहाँ क्लियर दिख रहा है, और ज़्यादा देर हम इसे रखे ही नहीं थे, यू नो आई जस्ट केप्ट इट फॉर 1 आवर ओनली, एंड मेरी हॉस्टल बोली थी कि वो कर लगा देगी, बदन में मुझे लगाने में लेट हो गया, एंड शेयर सो मैनी, और उसे भी अपनी दिवाली की तैयारी करना था, और उसे बहुत वर्क था अपने काम घर में ही, तो शिवन तो ऐसे ठीक है कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं, तो ऐसे हम लगाए हैं, कलर अच्छा आया, और डार्क कलर आता, लेकिन आई जस्ट केप्ट इट फॉर 1 आवर, दैट्स इट। तो तैयार होते हैं, एंड फिर पूजा हम लोग की हो गई है, तो ये शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं,
पूजा के बाद एंड देन पूरे घर में लाइटिंग वगैरह सब कर दिए, जहाँ दिया वगैरह जलाना है एंड ऑल दैट लुक्स ब्यूटीफुल। और ये है हमारी बिल्डिंग की डेकोरेशन, नीचे है सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत रंगोली है, यहाँ की सारी लेडीज ने मिलकर बनाया है एंड सारा यहाँ से वहाँ तक पूरी हुआ लिया है। हमारे प्रेमाइसेस में कोई दिवाली मनाते ही नहीं है, तो हम लोग थोड़ी सी मना करके थोड़ी सी जा रहे घूमने बाहर, क्योंकि घर में जाकर क्या करें, घर में जाकर थोड़ी सी घूमते हैं, देखते हैं बाहर की नज़ारा कैसा है, हाउ पीपल आर सेलिब्रेटिंग। बाहर की ट्रैफिक देखकर तो लग रहा है कि एज इट इज पीपल आर मूविंग, दिस इज इट। हम लोग नीचे से आ गए हैं एंड थोड़ी बहुत फोटोग्राफी, फैमिली मेम्बर से बात हुई, फ़ोन आ गया एंड इट हैज़ बीन नाइस सेलिब्रेशन, अच्छा था। यहाँ पे बहुत लोग निकलते नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ, मुझे वाइज़ैक का याद आ रहा, आप लोगों के साथ भी शेयर करते थे, इतना इट यूज टू बी वेरी हैपनिंग यू नो, यहाँ पे इतना नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट नीचे गए थे सेलिब्रेट करने तो देवर नो बडी, तो हम लोग चले गए बाहर घूमने के लिए, तो चलो थोड़ी सी वॉक करके आते हैं, थोड़ी सी वॉक किए, जैसे घर में आए गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम फैमिली फ्रॉम रांची एंड अदर प्लेसेस, या दिस इज ऑल इट इज। इसके बाद हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए, कुछ फ्रेंड्स लोग आ गए एंड देन मोबाइल वगैरह में हम बात करने लगे हम लोग, तो फिर मिस हो गया। एंड आई शो यू टाइम इज जस्ट 21 आवर्स एंड सब चीज़ हो गया, जितना सेलिब्रेशन था हो गया, मेरी दुपट्टा की क्लिप है दैट आई हैव ओपन एंड कुछ स्वीट्स भी है, रसगुल्ला वगैरह भी है, यहाँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देर आर सो मेनी, थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा तो मंगवा ही नहीं। और यहाँ बिफोर आई एंड माई व्लॉग आई लाइक टू शो यू दिस ब्रेसलेट गिफ्टेड बाई चांदनी, चांदनी इफ़ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग, तुमने ये गिफ्ट किया था एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल, आज दिवाली के दिन में फर्स्ट टाइम हम पहने हैं एंड विद दिस मेहंदी एंड दिस ब्रेसलेट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, यू हैव अ गुड चॉइस। तो चलिए बस आज की व्लॉग यहीं एंड करेंगे एंड वंस अगेन बिफोर आई एंड माई व्लॉग आप लोगों को खूब सारी बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं बधाइयाँ, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड या प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई गो रूम एंड चेंज।